हेलो, माय नेम इज शिवम ठाकुर, डायरेक्टर ऑफ जीएफए ग्रुप इंप एक्सपर्ट्स। सो अगेन आज मैं आपके लिए एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट्स मार्केट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो जो प्रोडक्ट है वो आज के लिए है मशरूम। यस, मशरूम एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसका एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा मार्केट है। तो ये मशरूम जो प्रोडक्ट है वो कौन से टाइप्स के मशरूम्स होता है, कौन सी कंट्रीज में जाता है, उसका कल्टीवेशन कौन से स्टेट्स में होता है, उसके कॉम्पिटिटर कौन से है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीज़ मैं आपको ये वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कितने टाइप के पहले तो मशरूम होते हैं वो अपने को समझने की ज़रूरत है। इंडिया में कौन से टाइप का कल्टीवेशन, कौन से टाइप का मशरूम का कल्टीवेशन होता है? तो बेसिकली बटन मशरूम होता है, ऑस्टर मशरूम होता है और पैडी स्ट्रो मशरूम होता है। ये तीन टाइप की वेराइटीज़ होती है इंडिया में जो कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। अभी ये सारे के सारे टाइप्स के मशरूम इंडिया में हाईएस्ट कौन सी जगह पे होता है? तो बेसिकली उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ये सारे बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ये मशरूम का कल्टीवेशन काफ़ी मात्रा में होता है। वहाँ से जो मशरूम होता है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है ये जो मैंने स्टेट्स आपको जो बताया है वो स्टेट्स के अलावा और कोई स्टेट्स में मशरूम नहीं होता है, पर ये स्टेट्स में ज़्यादातर मशरूम होते हैं। क्योंकि मशरूम में मेन चीज़ ये होती है कि मशरूम्स को एटमोसफियर में सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे स्टेट्स हैं उसमें मशरूम के अकॉर्डिंग एटमोसफियर काफ़ी अच्छा है। तो और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं वहाँ पर मशरूम का क्रॉप होता है, पर ये सारे स्टेट्स में मशरूम काफ़ी अच्छी मात्रा में कल्टीवेशन होता है। अभी मैंने आपको बताया कि बटन मशरूम है, ऑस्टर मशरूम है, पैडीशो मशरूम है, तो वो कौन से फॉर्म में जाता है? तो ज़्यादातर इंडिया से बटन मशरूम्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होता है, वो भी ड्राई फॉर्म में, स्लाइस फॉर्म में और फ्रोजन फॉर्म में काफ़ी अच्छा मात्रा में एक्सपोर्ट्स होता है। अभी ये बाय एयर भी एक्सपोर्ट्स होता है और बाय सी भी जाता है। ज़्यादातर अपने इसका अपना डेटा देखने जाए तो बाय एयर का काफ़ी अच्छा है, फ्रोजन और स्लाइस कट मशरूम जो है वो बाय एयर काफ़ी जाता है। तो दूसरे अपने बाय सी शिपमेंट्स भी उसके काफ़ी ज़्यादा है। तो दोनों तरीके से बाय एयर और बाय सी दोनों तरह से ये मशरूम्स ज़्यादा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्लाइड, ड्राई और अपना ये फ्रोजन, ये तीनों प्रकार के तीनों उसका फॉर्म करके काफ़ी अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट्स होता है। मशरूम एक्सपोर्ट्स करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है? एज आ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट्स करने के लिए काफ़ी बढ़ावा देती है। तो ये जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था, ये प्रोडक्ट्स में भी अगेन कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे बेसिक आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज पर इंडियन गवर्नमेंट लॉ। दूसरा आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रिक्वायरमेंट रहता है जिसको हम आईसी कोड बोलते हैं। और तीसरा जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है अपेरा, अपेरा का आरसीएमसी आपको लेना पड़ेगा। ये तीन चीज़ आपके पास अगर होगी तो आप इजीली आप मशरूम एक्सपोर्ट्स कर सकते हो। इंडिया से तो मैंने आपको बताया कि इंडिया से करीबन 80+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स होता है। तो अब इसके अलावा इंडिया का कॉम्पिटिटर कंट्रीज कौन सी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि अब जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में जाए तब आपको इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई इंडिया के अलावा भी और कौन सी कंट्रीज से मशरूम का क्रॉपिंग होता है, वो लोग भी एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो उसमें कुछ कंट्रीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो है चाइना है, नीदरलैंड है, मोरक्को है, बेल्जियम है। ये सारी कंट्रीज अपने काफ़ी अच्छी मात्रा में इंडिया के साथ एक्सपोर्ट्स करती है और इंडिया को अच्छी तरह से वो लोग कॉम्पीट करते हैं। आज मैंने आपको पूरा बताया ये कि मशरूम कौन सी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, मशरूम के टाइप्स कौन से है, कौन सी कंट्री कम्पीट कर रही है इंडिया को, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई। तो ऐसी और बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।